वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैगजोन। दोस्तों आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम सिस्टम है, वीडियो को वायरल करना, वीडियो को आगे लोगों तक पहुँचाना, ये क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है और ये कैसे काम कर सकता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, यूट्यूब का जो सिस्टम है ना, एल्गोरिथम सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है, आप समझ लें कि ये एक रिकमेंडेशन सिस्टम है। YouTube कहता है कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये ऐसे काम करता है कि हम ये सर्वे करते हैं कि हमारा जो YouTube पर वॉच करने वाला यानी यूज़र है, कोई अगर वीडियो देख रहा है तो हम उसे जानते हैं वो कौन सी वीडियो देख रहा है, वो कैसी वीडियो देखता है, उसे वो कैसी वीडियो को पसंद करता है और वो कैसी वीडियो को नापसंद करता है, और हमारा जो वॉचर है वो कितना टाइम यूट्यूब पर स्पेंड करता है और कितना नहीं करता, और उसके सारे हम इंटरेस्ट को जानते हैं कि वो कैसी चीज़ें पसंद करता है और कैसी पसंद नहीं करता, और किस तरह और कैसे वो हमारा यूट्यूब जो वीडियोस को है वो देखता है और कितनी देखता है, कितनी लेंथी वीडियोस वो पसंद करता है। तो उस हिसाब से ये हमारा एल्गोरिथम सिस्टम जो है उस बंदे तक वैसी वीडियो आगे पहुंचाता है जिस तरह वो पसंद करता है। आप लोगों ने ये बात नोट की होगी कि आप जब भी YouTube इस्तेमाल करते हैं तो आप जैसी वीडियोस पसंद करते हैं वैसी वैसी वो नई नई वीडियोस आपके सामने लाता है। तो यही है एल्गोरिथम सिस्टम। अब जो लोग आपको YouTube पर आप देखते होंगे कि ये ट्रिक लगाओ तो ये हो जाएगा, ये ट्रिक लगाओ तो आपके चैनल पे हजारों लाखों सब्सक्राइबर आ जाएंगे, और ये ट्रिक लगाओगे तो आपके व्यूवर्स बढ़ जाएंगे, तो ये ट्रिक लगाओ, वो ट्रिक लगाओ, ये सारे जो है ये झूठे दावे हैं और ये एक गलत फहमी है। ऐसा कोई कोड नहीं है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि जिसको आप बस आज लगाएंगे तो कल आपका चैनल ग्रो हो जाएगा या सब्सक्राइबर आ जाएंगे या व्यूवर्स आ जाएंगे, तो ऐसा यूट्यूब कहता है कोई सिस्टम नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी गलत चीज़ें हैं, बेबुनियाद चीज़ें हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारा सिस्टम जो एल्गोरिथम सिस्टम है, ये मैंने आपको पहले बताया है कि ये कैसे काम करता है। ये जो बंदा YouTube इस्तेमाल करता है तो YouTube उसकी पसंद नापसंद को जानता है, वो कैसी चीज़ें पसंद करता है और कैसी नहीं करता और कितनी वक्त की वो वीडियो देखता है, तो उस हिसाब से हम उसके सामने वीडियोस रिकमेंड करते हैं। तो जो चीज़ ज़रूरी है वो यही है कि आप जितना अच्छा कंटेंट बनाएंगे, आपकी कितनी अच्छी वीडियो होगी तो लोग उसको देखेंगे, तो जहरी सी बात है अच्छा और मयारी चीज़ जो है वो हर बंदा पसंद करता है। जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो देखते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है तो आप उसकी तरफ जाते हैं, लो क्वालिटी की तरफ नहीं जाते। तो ये वीडियोस का, ये कंटेंट का भी यही सिस्टम है। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी बनाते हैं वीडियो, और उसके अंदर मवाद अच्छा है, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और जो लोग चाहते हैं आपकी वीडियो से वो उनको मिल रहा है, तो वो जहरी सी बात है आपकी वीडियो को पूरा देखेंगे और YouTube भी ये नोट कर रहा होगा, तो आपकी वीडियो को YouTube जो है वो ज़्यादा रिकमेंड करेगा, लोगों के सामने लाएगा कि इस वीडियो के अंदर मवाद अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, इसलिए लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं और इसको पूरा देख रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ थंबनेल अच्छा बनाते हैं और जब वो लोग उसको ओपन करते हैं तो आगे कोई मवाद अच्छा नहीं होता, कंटेंट अच्छा नहीं होता। जो YouTube ये भी नोट कर लेता है कि ये सिर्फ थंबनेल अच्छा है, अंदर मवाद अच्छा नहीं है, इसलिए लोग जो हैं बिल्कुल एक आधा मिनट भी वीडियो नहीं देखते और वो स्किप कर लेते हैं। तो YouTube इस चीज़ को भी नोट करता है, वो ये देखता है कि इस वीडियो को लोग पूरा देख रहे हैं, इसलिए वो उस वीडियो को आगे आगे लोगों तक पहुंचाता है ताकि उस पर ज़्यादा व्यूज़ आए, और जो बंदा जिस मकसद के लिए उस वीडियो को देख रहा है उस मकसद में वो कामयाब हो, वो उस मकसद को पा ले उस वीडियो से, तो वो उस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और YouTube यही चाहता है कि हमारे यूज़र्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले YouTube पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।